कोरोना संकट से जूझता भारत का समाज एक से बढ़कर एक प्रेरक कथाएं गढ़ता जा रहा है। इस बार समाज को प्रेरणा दे रहा है ये गाड़िया लोहार समुदाय। दिल्ली में अक्सर सड़क किनारे बड़े चौक चौराहों के आसपास किसी जगह पर ऐसी बस्तियां देखी जा सकती हैं। लोहे को गलाकर फावड़ा, हथौड़ी, खुरपी जैसे छोटे मोटे औजार बनाने वाले ये लोग दिन भर में कितना कमा पाते होंगे और इनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मगर पूरा समाज जब संकट में है तो मदद के लिए ये गाड़िया लोहार भी आगे आए हैं। महामना मालवीय मिशन और सेवा भारती को इन लोगों ने अपने समाज से जुटाकर 51,000 रुपए सहायता के लिए दिए हैं। हमारे समाज के प्रधान बिहारी जी हैं, जो कि मेरे नाना जी भी है, इन्होंने पूरा सहयोग किया। सभी बस्ती में जाके इन्होंने फोन किए और हमें इस कार्य के लिए लगा दिया। बस्ती में कुछ लोगों ने 100 रुपये, कुछ लोगों ने 50 रुपये ऐसा अनुदान इकट्ठा करके गाड़ीलोर समाज ने ये सारा अनुदान इकट्ठा किया एवं महामना माली मिशन और सेवा भारती को देने का निर्णय किया और कुछ अनुदान प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए भी लोगों ने इकट्ठा किया है। अपने हिस्से की आधी रोटी और अपने जैसे लोगों के लिए निकाली है। इसके लिए जो हमारी जो घुमंतु जाति के ये जो लोग हैं जिन्हें हम गाड़िया लोहार कहते हैं, इन लोगों ने जो निर्णय किया है और निर्णय करके आपस के अंदर छोटी छोटी राशि इकट्ठी करके और आज सेवा भारती दिल्ली को 51,000 रुपये की राशि दी है। मैं ये समझता हूँ कि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इन गाड़िया लोहार समुदाय का रहन सहन भी कई प्रश्नों को जन्म देता है जिनके उत्तर इनके इतिहास में छिपे हैं। गाड़िया लोहारों को भारत में मुगलों के दांत खट्टे करने वाले महान सम्राट महाराणा का समाज कहा जाता है। महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने वाला ये समाज आज भी बेहद सादा जीवन गुजारता है। जब दूसरी बार राशन बांटने गए इनके नौजवानों के बीच आंखों में आंसू आ गए और इन लोगों ने कहा कि हम राशन ले रहे हैं अच्छी बात, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है इस देश, इस समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी पड़ती है। देश समाज के प्रति जो भी होगा हम अपना पेट काट के हम भी कुछ सहयोग करना चाह रहे हैं। इनकी रकम, इनका सहयोग कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इसका जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो पूरे देश के लिए प्रेरणा, पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायी साबित है। स्वयं अधिक साधन संपन्न ना होते हुए भी समाज के लिए चिंता करना व यथासंभव मदद देना अपने आप में बड़ा उदाहरण है। दीपक जैसे गाड़िया लोहार के अलावा याद कीजिए वंदना जैसी बहनों को जो घर में ही मास्क बना रही थी। रतन जैसे व्यक्ति जिनका चाय का ठिया कोरोना के कारण बंद हुआ तो रतन रोज 700-800 लोगों का भोजन बनाने लगे। और राजकिशोर जैसे भी जिन्होंने अपनी फैक्ट्री में छिड़काव के लिए मोटरसाइकिल पर यह मशीन तैयार कर ली। जरा सोचिए ये कैसे लोग हैं जो मैं और मेरा छोड़कर अपने समाज की चिंता करने लगे। और ये संवेदनाएं सिर्फ भारत जैसे राष्ट्र में ही संभव हैं। परंतु जिनको इसका वेतन वगैरह नहीं मिलने वाला है, फिर भी अपना प्राण संकट में डालकर जिस प्रकार से समाज के लोग इसमें सहयोगी हो रहे हैं, सहकार कर रहे हैं, यह विशेष बात है। इन सभी के प्रयास दिखने सुनने में छोटे भले लगे मगर समाज के भिन्न वर्गों की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा आंदोलन बनती हैं। ऐसे ही असंख्य भारतीयों का ये आंदोलन भारत राष्ट्र को कोरोना नाम की महामारी पर न सिर्फ विजय दिलाएगा बल्कि भारत को विश्व गुरु के रूप में फिर स्थापित करेगा। ये प्रयास ऐसा विश्वास भी दिलाते हैं।